पहली चीज है अभिप्रेरण और दूसरा चीज हम लोग सीखेंगे अधिगम, मीन्स मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो अभिप्रेरण को अंग्रेजी में हम मोटिवेशंस बोलते हैं, और आप लोग सबको पता है आप लोगों को कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। अब तक जितना भी हमने क्वेश्चन किया चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 19 तक, उसमें से आधे क्वेश्चन केवल इसी पे उत्तर मिल जा रहे थे कि हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, किसी भी तरीके से मोटिवेट करना है। तो उन सब का निचोड़ यहाँ पे है कि बच्चों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं ताकि वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करें। तो अभिप्रेरण बेसिकली एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन शब्द के मोटम से हुई है, MOTUM, मोटम। और जिसका मोटम का अर्थ होता है मूव, इस तरीके से समझिए कि मोटिवेशन इज अ वर्ड जो कि आया लैटिन से, और लैटिन में इसको कहते हैं मोटम, मोटम धातु, और जिसका अर्थ होता है मूव, MOVE। और ये मूव होता है इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ। तो मोटिवेशन आदमी को खुद अपने अंदर से प्राप्त होती, मीन्स मोटिवेशन आंतरिक होता है, जिससे हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। तो अगर हम मोटिवेशन के बारे में बात करें तो मोटिवेशन एक ऐसी संक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है तथा सक्रिय करती है, किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करती है। और जब किसी भी बालक को, किसी भी अवस्था में बालक है, अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसे आप मोटिवेट करिए, और जब आप मोटिवेट करेंगे तो देखेंगे कि वो काम धीरे 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 वो स्वयं करने लगेगा। और अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो हर एक बच्चे के लाइफ में मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। पहली लाइन देखिए कि शिक्षार्थी के जीवन में प्रतिदिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभिप्रेरण पाया जाता है। विद्यालय जाना, पढ़ाई करना, व्यवसाय करना, खाना खाना, संगीत सुनना, सिनेमा देखना, खेल खेलना आदि सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरण विद्यमान रहती है, कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, चाहे वो आंतरिक मोटिवेशन हो चाहे बाह्य मोटिवेशन हो। जो काम आपको पसंद है वो काम करेंगे तो आपकी आंतरिक मोटिवेशन है, प्रत्यक्ष मोटिवेशन है। लेकिन जो काम आप दूसरे के मोटिवेशन से करेंगे कि मैं अगर आपको मोटिवेट कर रहा हूं आप पढ़ाई करो, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो हमारा अप्रत्यक्ष मोटिवेशन से। तो शिक्षार्थी का व्यवहार हमेशा से ही कुछ प्रेरक तत्वों द्वारा नियंत्रित और दिशा निर्देशित होता है, और वे प्रेरक तत्व आंतरिक होते हैं। और मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक के अर्थ में अभिप्रेरण से अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से है, बाह्य उत्तेजनाओं से नहीं। अगर हम साइकोलॉजिकल फील्ड में देखें तो अभिप्रेरण केवल आंतरिक होता है, आंतरिक उत्तेजनाएं होती हैं, या आंतरिक उत्तेजनाओं से अभिप्रेरण पैदा होता है, और जिसके आधार पर किसी शिक्षार्थी का व्यवहार निर्भर करता है, इस अर्थ में बाह्य उत्तेजनाओं का कोई स्थान नहीं होता है।
और दूसरे शब्दों में कहे तो अभिप्रेरण, अभि मतलब स्वयं अपने अंदर, तो अभिप्रेरण वास्तव में व्यक्तियों के भीतर स्थित होती है, मीन्स आंतरिक होती है, जो उनमें क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। यह क्रियाशीलता व्यक्तियों में लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है। अभिप्रेरण एक मनोव्यवहारिक क्रिया है। अभिप्रेरण व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को कहा जाता है और यह आंतरिक अवस्था अमूर्त होती है, क्यों से कि अभिप्रेरण दिखाई नहीं देता है, उसे ठोस रूप में नहीं देखा जा सकता। अभिप्रेरण व्यक्ति की क्रियाओं व गतिविधियों का को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। तो मोटिवेशन मतलब इस तरीके से समझिए आप लोग कि किसी काम को करने के लिए आप किस तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं, अभिप्रेरित किस तरीके से हो रहे हैं, आंतरिक अभिप्रेरित हो रहे हैं या बाह्य अभिप्रेरित हो रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभिप्रेरण केवल आंतरिक होता है, बाह्य अभिप्रेरण नहीं होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरण के डेफिनेशन भी बताए, अभिप्रेरण के बारे में भी बताया। जैसे कि लेविस के अनुसार अभिप्रेरण एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, मीन्स आंतरिक, न कि कुछ ऐसी चीजें जो शिक्षक शिक्षार्थियों में अपनी ओर से पैदा कर सकते हैं। गुड के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये सारी चीजें मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से हैं साइकोलॉजिकल फील्ड में, लेकिन अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो रियल लाइफ में अभिप्रेरण को हम डिवाइड करते हैं दो प्रकार से, दो भागों में विभाजित करते हैं, आंतरिक अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण। कुछ और जैसे मैस्लो ने बोला कि अभिप्रेरण दो तरीके का होता है, एक जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात मतलब स्वाभाविक और अर्जित मतलब कृत्रिम। जो इनहेरिटेड इनहेरिटेंस वाली अभिप्रेरण होते हैं वो हमारा जन्मजात होता है, और जो बाहर से हम अर्जित करते हैं, अपने द्वारा अर्जित करते हैं, उसे अर्जित अभिप्रेरण कहते हैं। तो जो जन्मजात होता है वो हमारा आंतरिक अभिप्रेरण है, जो जन्मजात होता है वो हमारा आंतरिक अभिप्रेरण है, और जिसे हम बाहरी दुनिया से सीखते हैं वो हमारा अर्जित अभिप्रेरण है। तो एक एक करके देखते हैं आंतरिक अभिप्रेरण क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर अभिप्रेरण दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण, मीन्स इंटरनल मोटिवेशंस एंड एक्सटर्नल मोटिवेशंस। तो आंतरिक अभिप्रेरण में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मोटिवेशंस आंतरिक हो रहा है तो बाह्य या बाहरी किसी आदमी को कहने की आवश्यकता नहीं है या मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। अगर बालक अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य को करने के बाद बालक को खुशी और संतोष प्राप्त होता है तो इसे आंतरिक अभिप्रेरण या प्राथमिक अभिप्रेरण कहते हैं, या फिर जन्मजात अभिप्रेरण या फिर स्वाभाविक अभिप्रेरण अन्य नामों से भी जाना जाता है। और इस प्रकार की अभिप्रेरणा के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक तथा क्रियाओं से शिक्षार्थियों को स्वयं ही प्रोत्साहन मिलता है, पुरस्कार देने की जरूरत नहीं होती है, स्वयं इंटरेस्ट लेता है। इस अभिप्रेरण का संबंध शिक्षार्थियों की आंतरिक इच्छाओं, रुचियों और आवश्यकताओं से होता है।
उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई शिक्षार्थी गणित में रुचि लेता है, कोई शिक्षार्थी विज्ञान में रुचि लेता है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्हें इन विषयों के अध्ययन में आनंद आता है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, जो आप लोग खुद अपने हिसाब से चुनते हैं, वो हमारा आंतरिक अभिप्रेरण में आता है। और इस प्रकार के स्वाभाविक व्यवहार द्वारा शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है और उनकी रुचि विषय में बनी रहती है। आंतरिक अभिप्रेरणा अंतर्नोद मीन्स ड्राइव, अंतर्नोद मीन्स ड्राइव। तो आंतरिक अभिप्रेरणा की शक्ति को छेड़कर आंतरिक तनाव कम करता है। इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक साम्य या संतुलन स्थापित होता है। पूरा का पूरा सार यही है आंतरिक अभिप्रेरण का, कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरण है, इंटरनल मोटिवेशंस है। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो वो इंटरनल मोटिवेशंस है। आपको खेलना अच्छा लगता है तो वो आंतरिक अभिप्रेरण है, इंटरनल मोटिवेशंस है। गणित पढ़ना अच्छा लग रहा है, विज्ञान पढ़ना अच्छा लग रहा है, इतिहास पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो ये सारे इंटरनल मोटिवेशंस है, कोई आपके ऊपर थोप नहीं रहा है। दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरण। तो इस प्रकार की अभिप्रेरणा का संबंध किसी व्यक्ति से ना होकर वातावरण या किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा से होता है। परीक्षा परिणाम, पुरस्कार, दंड, प्रतियोगिता, प्रशंसा, निंदा और भी बहुत सारे अभिप्रेरण के उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरण। इसके अतिरिक्त सहयोग, मूल्यांकन, श्रवण दृष्टि, सहायता से भी अभिप्रेरण की भूमिका निभाते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरण बाहरी वातावरण, स्वयं से ना होकर के किसी बाहरी वातावरण, अब वो बाहरी वातावरण कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी अन्य आदमी से, अन्य व्यक्ति से अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो हमारा बाह्य अभिप्रेरण। और बाह्य अभिप्रेरण में बहुत सारी चीजें, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि पुरस्कार, दंड, प्रतियोगिता, प्रशंसा, निंदा आदि बाह्य प्रेरण के उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरण से तात्पर्य एक ऐसे प्रोत्साहन से होता है जो शिक्षार्थी की बाहरी वातावरण में दिया जाता है तथा जिससे शिक्षार्थी के व्यवहार को एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है। बाह्य अभिप्रेरण की जरूरत कब पड़ती है? बाह्य जरूरी नहीं है कि बच्चा जब वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करे तो सारे बच्चों के अंदर पढ़ाई के लिए आंतरिक अभिप्रेरण हो, जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पढ़ाएंगे नहीं। जिनका आंतरिक अभिप्रेरण या जो इंटरनल मोटिवेशंस रखते हैं कि मुझे पढ़ना है, वो तो अपने आप पढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, हर एक बच्चे को शिक्षित होना है। तो जिसका आंतरिक अभिप्रेरण पढ़ाई के लिए नहीं है, उनके लिए हमें बाह्य अभिप्रेरण अप्लाई करना पड़ता है, दंड दे करके, पुरस्कार दे करके, प्रशंसा करके, निंदा करके, प्रतियोगिता करा करके, बहुत सारी चीजें अप्लाई की जाती हैं ताकि वो पढ़ने में इंटरेस्ट ले। तो ये सारे काम या सारे चीजें जो अप्लाई किया जाता है वो बाह्य अभिप्रेरण होता है। और आज की डेट में अगर हम ये कहें कि कोई हमारे पास प्रतिभाशाली बालक है और सामान्य भी बालक है क्लास में, तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत सामान्य बालक के साथ करनी पड़ती है। प्रतिभाशाली के साथ हम उतना जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं जितना हम जस्टिफिकेशन सामान्य बालक के साथ करते हैं। क्यों से कि अभी
प्रतिभाशाली बच्चा आंतरिक अभिप्रेरित है, लेकिन सामान्य या सामान्य से नीचे के बालक को हमें बाह्य अभिप्रेरण की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे दो तरीके के अभिप्रेरण थे और ये अभिप्रेरण का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अभिप्रेरण का सिद्धांत बाह्य मैस्लो के द्वारा दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जन्मजात होता है, स्वाभाविक होता है, बाह्य अर्जित और कृत्रिम होता है। जन्मजात या आंतरिक में बालक किसी काम को स्वयं कर सकता है, अपने इच्छा से करता है, जबकि बाह्य में बालक को मोटिवेट करने के लिए विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरण का उपयोग करना पड़ता है। अभिप्रेरण जो होते हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सकारात्मक अभिप्रेरण भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। सकारात्मक में कैसा, जैसे कि जो आपने संवेग पढ़ा, सकारात्मक संवेग, वो सारे चीजें हमारे सकारात्मक अभिप्रेरण में आएंगी। जो नकारात्मक संवेग था वो सारी चीजें नकारात्मक अभिप्रेरण में आएंगी। यहां तक कि पुरस्कार को भी नकारात्मक अभिप्रेरण में शामिल किया गया है। और वो इसलिए किया गया है कि शुरुआत के केस में तो अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की यही आदत बन जाती है कि जब तक पुरस्कार नहीं मिलेगा तब तक हम शिक्षा वाले कार्य को या किसी भी काम को पूरा नहीं करेंगे। अगला है कि अभिप्रेरण के स्रोत क्या क्या हैं, मोटिवेशंस के स्रोत क्या क्या हैं। तो कुछ स्रोत हमारे दिए हुए हैं, जैसा पहला स्रोत है मोटिवेशंस का, अभिप्रेरण का, कि आवश्यकताएं, नीड, हमारी क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से भी मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरण होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पे कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे खाना खाना है, प्यास लगी है तो पानी पीना है, नींद आ रही है तो सोना है, कपड़े पहनना है, मूवी देखना है, गाना सुनना है, खेल खेलना है, शादी में जाना है। तो ये सारी चीजें हमारी आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की बात करें तो देखो दो चीजें होती हैं, एक नीड एक लग्जीरियस। नीड मतलब आवश्यकता और लग्जीरियस मीन्स मुझे कार चाहिए, मुझे पिक्चर देखना है। नीड में क्या आएगा, रोटी कपड़ा मकान, और लग्जीरियस में बाकी सारी चीज। तो नीड ही हमारी आवश्यकता है और उस आवश्यकता को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैविक और सामाजिक। जैसे कि भोजन, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग आदि जैविक या शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जबकि सामाजिक आवश्यकताओं में जैसे धन अर्जन, दूसरे से संबंध बनाना, शिक्षा ग्रहण करना आदि को शामिल किया जाता है। तो ये हमारी आवश्यकताएं, आवश्यकताओं के हिसाब से भी मोटिवेशंस मिलता रहता है। जैविक आवश्यकताएं ऐसे आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति ना होने पर व्यक्ति के शरीर में टेंशन, तनाव उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य उस आवश्यकता विशेष की पूर्ति के प्रतिक्रियाशील होता है। एक एग्जाम्पल सोचिए, आज की डेट में लॉकडाउन चल रहा है, लोग दिल्ली मुंबई से गोरखपुर आ रहे हैं, वो भी पैदल चल के। दिल्ली से आ रहे हैं तो 800 से 1000 किलोमीटर, मुंबई से आ रहे हैं तो 2200 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। तो ये भी मोटिवेशंस मिला उन्हें पैदल चलने के लिए, अभी प्रेरण मिला। सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं हो रही है, उन्हें घर जाना है इसके लिए वो सेल्फ मोटिवेट हुए और पैदल चल दिए। क्यों चले, क्यों से, कि उनकी आवश्यकता थी।
कैसी आवश्यकता थी कि खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था। दूसरी सामाजिक की वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे थे, तो जैविक और सामाजिक दोनों चीजों का मिलन हो रहा था यहां पे आवश्यकताओं के मामले में। तो जैविक आवश्यकता मीन्स खाना खाना, दाल चावल रोटी खाना, ये हमारी जैविक आवश्यकता है और ये आवश्यकता है हमारी आधारभूत है, बेसिक नीड है, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और अगर ये हमें नहीं मिल रहा है तो टेंशन होने लगती है। आप लोग दोपहर तक खाना नहीं खाएंगे तो सर में दर्द होने लगेगा, शाम तक अगर खाना नहीं खाए तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता, क्या होता, वो टेंशन होती है, तनाव उत्पन्न होता है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से अगर जैविक आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे मनुष्य की आवश्यकता विशेष के पूर्ति की प्रतिक्रियाशील हो जाती है। तो अगर मैं जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूं या मेरी कुछ जैविक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति मैं करना चाहता हूं, तो मैं खुद अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोटिवेट हो रहा हूं। मैं काम करूंगा तभी मुझे पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तभी मैं खा पी सकता हूं। अगला है कि मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता को मिस नीड को अभिप्रेरण की उत्पत्ति में पहला कदम बताया। बिल्कुल सही बात है कि बेसिक नीड ही हमारी पहली सीढ़ी है, जो आवश्यकताएं हैं वही मोटिवेशंस में पहली सीढ़ी है, और व्यक्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उसकी क्रियाशीलता तथा शारीरिक तनाव समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो लग्जीरियस लाइफ की तरफ सोचता है, यानी उसके बाद वो सामाजिक, जैसे हमने शुरू में बोला कि अभिप्रेरण आवश्यकताएं दो तरीके की होती हैं, जैविक और सामाजिक, तो पहले वो अपने जैविक आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद उसमें तनाव की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद वो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना करेगा। पहले आप दाल चावल खाएंगे, उसके बाद मोटरसाइकिल बाइक कार खरीदेंगे, तो जैविक पहले होगा सामाजिक बाद में होगा। दूसरा है चालक या अंतर्नोद। तो जब शिक्षार्थी या व्यक्ति में किसी चीज के प्रति आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और इसी क्रियाशीलता को चालक या अंतर्नोद कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे कि भोजन की आवश्यकता किसी व्यक्ति या बालक में भूख चालक को जन्म देती है, इसी प्रकार पानी की आवश्यकता प्यास चालक को जन्म देती है, और ये चालक प्राणी को एक निश्चित प्रक्रिया की क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इन शारीरिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी होती हैं जिनके द्वारा मनोवैज्ञानिक अंतर्नोद चालक उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः चालक शरीर की आंतरिक क्रिया या दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। 5 मिनट का टाइम है, आप लोग